21 जून है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इसकी स्थापना 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। आज का दिन योग के महत्व और इसके फायदों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आज देश भर में कई जगहों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया है, जहाँ हजारों की संख्या में लोग योग कर रहे हैं। गौरतलब है कि योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। ये तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है, साथ ही योग से शारीरिक तंदुरुस्ती भी बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से लोग योग के फायदों के बारे में जागरूक होते हैं और इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए प्रेरित होते हैं। अब योग केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छा गया है। बात अगर योग की करें तो योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से इस धरोहर को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है और विश्व भर में इसके प्रचार प्रसार में लगातार वृद्धि जारी है। बता दें कि योग सभी लोगों को जोड़ता है, चाहे उनकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता या फिर भाषा कुछ भी हो। यह समाज में शांति, सहिष्णुता और भाईचारे को बढ़ावा भी देता है। योग केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं बल्कि आत्मा और मन की साधना भी है। यह आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है। इसके साथ ही योग के अभ्यास से लोग प्रकृति के साथ भी जुड़ते हैं, जिससे पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। ये पृथ्वी के साथ हमारे संबंध को मजबूत करता है और सतत विकास के महत्व को उजागर करता है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को योग दिवस के रूप में मान्यता देने के साथ हुई। इसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने योग के महत्व और इसके स्वास्थ्य लाभों को बताते हुए इसे एक वैश्विक उत्सव के रूप में मान्यता देने की बात कही थी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय सुझाव दिया था कि 21 जून को, जो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और विश्व भर में महत्वपूर्ण है, को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए। पीएम नरेंद्र मोदी के इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को स्वीकार कर लिया था और उसके बाद से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है।